वहीं निगम भिलाई द्वारा जोर शोर से रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत सड़कों से पकड़े जाने वाले आवारा मवेशियों को गोठानों में रखा जा रहा है, परंतु यहां इन मवेशियों के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण गौवंश दम तोड़ता नजर आ रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा सिटी बस के लिए बनाए गए बस डिपो को गौठान में तब्दील कर दिया गया है और यहां रोका छेका अभियान के तहत सड़कों से पकड़े गए आवारा मवेशियों को रखा जा रहा है, परंतु यहां उचित व्यवस्था न होने के कारण गौवंश अपना दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसकी लगातार सूचना ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को प्राप्त हो रही थी, जिस पर ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने जन्माष्टमी के अवसर पर गौठान पहुंचकर यथास्थिति देखी तो पाया कि वहां रखे गौवंश के लिए न तो उचित मात्रा में चारा है और न ही पानी पीने के लिए व्यवस्था, साथ ही एक मृत गौवंश भी देखने को मिला, जिसकी जानकारी गौठान संचालन करने वाली महिला स्व सहायता समूह को भी नहीं थी। जब हमने उन्हें इस बात की जानकारी दी तब उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जी, आज से ही आई हूँ सर मैं, वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ, 2-3 दिन ही हुआ है यहाँ का काम स्टार्ट हुए। बाकी व्यवस्था यहाँ सब ठीक ठाक है, पानी चारा सब चीज़ का व्यवस्था है, अच्छे से देख रेख हो रहा है, इतने सारे कर्मचारी सुबह 6 बजे से सब काम में लगे रहते हैं। कर्मचारी भी आज से ही आए हैं? ये लोग तो पहले से ही कर रहे हैं सर, तभी तो इतना। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज आपके गौठान में गाय मरी पड़ी हुई है। वो अभी अभी को कुछ हुआ होगा सर, वो घायल नहीं होगी और हम लोग सारे अधिकारी अभी निरीक्षण करके गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तो हमने आपको जानकारी दी तब आपको पता चल रहा है कि वहाँ गाय मरी पड़ी है, आपने स्वयं अभी बोला। आप यहीं पे रह रही हैं, आपको आज से चार्ज मिला है, आप गौठान घूमते नहीं, निरीक्षण नहीं करते? घूमते हैं सर, अभी तो जब सभी लोग घूम के आए हैं हम लोग, तो वैसा कुछ नहीं था। क्या व्यवस्था है यहाँ जो गौठान में जो गाय बैल आ रही हैं, जो उनके लिए क्या व्यवस्था? पूरा व्यवस्था सर, चारा 4-5 बार दिया जा रहा है, पानी सब चीज़ अभी नया है तो सारे व्यवस्था भी अधिकारी सब लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में। तो अभी जो गाय मर गई है उसके लिए कैसे करेंगे? हाँ, उनकी जानकारी हम लोग देंगे, उसके बाद फिर जो भी है वो करेंगे। कम नहीं है सर, सब बैठे हुए हैं, देखिए चारों तरफ गाय हैं, कम नहीं है, 170 है पूरा, 170 गाय बैल बछड़े सब मिलाकर के 270। और 3-4 दिन पहले ही बताया गया था 400 से 500 गाय है, आज आप 270 में बता रहे हैं। कौन बताया सर, जो मेरे जानकारी में है आज वो मैं बता रही हूँ आपको। निगम प्रशासन को रोका छेका अभियान चलाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि इस अभियान के तहत जो आवारा मवेशी पकड़े जा रहे हैं उन्हें कहां रखा जाएगा और उन गौवंशों के लिए चारा और पानी के सहित उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने डॉक्टर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा किसी भी गौठान में देखा नहीं गया। यही कारण है कि इन गौठानों में गौवंश प्रतिदिन अपना दम तोड़ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।